सुप्रभात, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय पाठ एक, भाषा और व्याकरण। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान एक। बच्चों, आज हम पाठ एक भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम सिर्फ कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? इसका अर्थ मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगी। यह एक बगीचे का चित्र है। इस चित्र में दो चिड़िया पेड़ पर बैठी है और एक बिल्ली बगीचे में घूम रही है और दो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिड़िया चींची करती है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। क्या आप, जब चिड़िया चींची करती है, क्या आप समझ सकते हैं कि वह हमें क्या बताना चाहती है? नहीं, हम पक्षियों की भाषा को नहीं समझ सकते। बिल्ली, जैसे कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, क्या आप समझ सकते हैं कि बिल्ली क्या बताना चाहती है? नहीं, क्योंकि वह एक जानवर है, हम उसकी भाषा को नहीं समझ सकते। ऐसे ही इस चित्र में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। इस चित्र में लड़के का नाम है रोहन और लड़की का नाम है शान्या। रोहन शान्या से पूछ रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शान्या ने उत्तर देते हुए रोहन से कहा, मैं यहाँ पर रोज सैर करने आती हूँ। क्या आपने इन दोनों बच्चों की बात को समझा? हाँ, क्योंकि इंसान इंसान की ही भाषा को समझता है। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। एक बार दोबारा से हम इस भाषा को पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अगर मेरे मन में कोई बात है, मुझे उसे दूसरों तक पहुंचाना है, तो मैं किस भाषा का प्रयोग करूंगी? अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, नंबर एक मौखिक भाषा, नंबर दो लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जो हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, नंबर एक मौखिक भाषा, नंबर दो लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपनी भाषा को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं,
उसे लिखित भाषा कहते हैं। नंबर एक मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझ लेता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझ लेता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना, जैसे इस चित्र में अध्यापिका कक्षा में बच्चों को बोलकर कुछ समझा रही है और बच्चे सुनकर अपनी अध्यापिका की बात को समझ रही है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। नेताजी का भाषण देना, दो मित्रों की बातचीत आदि, जैसे कि इस चित्र में एक बच्चा अपने मित्र के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर रहा है और दूसरा बच्चा उसकी बात को सुन रहा है तो इसका मतलब वह मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। नंबर दो लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ लेता है तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ लेता है तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना, जैसे कि कक्षा में आपका टेस्ट होता है या कोई पेपर होते हैं तो मैम आपको क्वेश्चन पेपर देती है, उसमें आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हो, उसके बाद आप उसका उत्तर लिखते हो तो यह भाषा का लिखित रूप हुआ। किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना, यह भी भाषा का लिखित रूप है। जैसे इस चित्र में एक बच्चा पत्र लिख रहा है तो वह भाषा का लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है और इस चित्र में अध्यापिका कक्षा में लिखकर अपनी बात को विद्यार्थियों के सामने प्रकट कर रही है तो अध्यापिका इस चित्र में लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पाठ एक में भाषा का अध्ययन कराया तो मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अब मैं उसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में देना चाहती हूँ। क, भाषा किसे कहते हैं? क, भाषा किसे कहते हैं? ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताओ। ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताओ। ग, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ग, मौखिक भाषा किसे कहते हैं?
घ लिखित भाषा किसे कहते हैं? घ लिखित भाषा किसे कहते हैं? धन्यवाद।